So today is what? 7th of January and we are at Delhi airport. We are traveling to Goa, iski dream destination. Not mine, main bahut baar hi ja chuka hu. So finally we have arrived to our hotel, which is D Falcon Resort Goa, is in Candolim Beach. Let me show you guys the room. Ye iska hai first bathroom. Attached washroom. और उससे यहाँ से इस गैलरी से बाहर निकल के ये रूम, दिस इज द मेन रूम. ये बेड, डबल बेड और ये सब, एंड देन कबर्ड, ये रहा. यहाँ पे ये वैनिटी मिरर है, इवन यहाँ पे फ्रिज भी है, एंड ये रहा फ्रिज छोटा सा, एंड देन लॉकर खोला इसके अंदर. आई थिंक सेफ भी है. यस, नीचे. और ये रहा सेफ. यहाँ टेलीविजन, एंड दिस इज द रूम. दिस इज अनदर सोफा. This is balcony. This is a private balcony. And drawing room type बना रखा है छोटा. हाँ, ये छोटा सा drawing room type है. और ये है main thing जिसकी वजह से हमने ये room book करा है. हाँ, ये it's quite big. काफी बड़ा, ये बड़ी बड़ा jacuzzi है ये tub. तो I think it's good. सो ओवरऑल यही था. देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस जिसकी वजह से हम लोग एयरपोर्ट पे कोई वीडियो नहीं बना पाए या कोई फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाए. नंबर वन, ये गोवा का जो एयरपोर्ट है वो डिफेंस एयरपोर्ट है, तो आप वहाँ पे कोई फ़ोटोग्राफ क्लिक नहीं कर सकते और ना ही आप वहाँ पे कोई वीडियो बना सकते हो. एंड द अदर रीज़न इज़ दिस कि हमारी फ़्लाइट ऑलरेडी बहुत डिले हो गई थी. सो वी थॉट कि हमारे को सबसे पहले होटल जाना चाहिए बिकॉज बहुत ज़ोर की भूख लग रही है. तो खाने पर मिलते हैं फिर. First food, veg chowmin. And veg chowmin is chowmin. First time in my life I am seeing veg chowmin with gravy. What? Soupy veg chowmin. कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने वेज भी एकदम काट के डाला है, fresh. Fry वाला नहीं है. Fry वाला नहीं है. ये चौमिन कब, ये प्रॉपर जो वेज बोलता है ना, एकदम जो बिना फ्राई वाला, इन्होंने वो ही दिया कि एंजॉय. चाइना में ऐसे मिलता है? ये चाइना तो नहीं है. ये थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस है शायद, लोगों की हेल्थ को लेकर. नहीं, इतना वेज डाल दिया. This is chicken pasta. मुझे समोसा चिकन पास्ता थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है एज कम्पेयर टू योर चाउमिन. मुझे ये भी नहीं लग रहा है. वाइट सॉस कितना यम्मी होता है. इस पे ऊपर से कोई टॉपिंग्स है नहीं. ओके, वहाँ है क्या? एक बाइट को लेके देख. आई वॉन्ट टू सी योर रिएक्शन. और ये भी खाया.
चलो ट्राई तो कर लिया ना, पता चल गया हम यहाँ पे नहीं आएंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पास्ता इज मच बेटर। एक्चुअली ये सूखी नूडल्स है। इसका नाम इनको वेज की जगह सूखी नूडल्स होना चाहिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये थोड़ा ज्यादा बेटर है। तू ट्राई कर। सही का रिव्यू बताऊं? टेस्ट लेस, ना ही सॉल्ट है, ना ही कोई टॉपिंग्स एडेड है। इसमें सिर्फ पास्ता है एंड विद चीज और चिकन के पीसेस है, नथिंग एल्स। इट इज टेस्टलेस फूड। मजा नहीं आ रहा है। Only thing which you think is good. कौन सी चीज़ अच्छी है? ये क्या है? Hot chocolate brownie with ice cream, but actually ये hot नहीं है, but ये yummy है। सही है। As usual हाँ, जो taste होता है वही है। इसको खा के थोड़ा सा better feel। तृप्ति मिली है। तृप्ति मिली है कि कुछ गया पेट में सुबह से। ये बेचारे एक नूडल कैसे उदास बैठे हैं। उन्हें खाया नहीं इनको। नाराज हो गए बेचारे। ऐसे को कौन खाएगा? अभी गीले तो सूख गए। ये लो। क्या यार? कैसा लगा? ये अभी। भाई गोवा में कहीं पे भी खाना, लेकिन इस वाले रेस्टोरेंट में मत खाना। ये रेस्टोरेंट का नाम है फिशरमैन्स कोव। साले को बम से उड़ा दूंगा। कहीं पे भी खाना यहाँ नहीं खाना। फिशरमैन्स को मोस्टली पीपल विल से कि यहाँ खाना वहाँ खाना, हम बताएंगे तुम्हारे को कि कहाँ नहीं खाना, अपने बैड एक्सपीरियंसेस। सो फाइनली डे वन इज कम्प्लीटेड गोवा। क्या करा हमने आज? बहुत गंदा खाना खाया दोनों टाइम। लंच में भी बेकार खाना, और दो जगह जो बहुत बेकार लगी मुझे, एक तो कैफे सॉरी फिशरमैन्स को एंड दी अदर वन इज काना ढाबा कैंडोलिम में। बहुत बकवास। और इस घटिया खाना खाने के बाद, बहुत गंदा डिनर करने के बाद, नाउ वी आर ऑन कैंडोलिम बीच, राइट? सो लेट्स सी हाउ द कैंडोलिम बीच लुक्स। सुबह आने का मजा है, लेकिन रात में वॉक करने का मजा है। जा तो आगे जा। ये हाल है बीच का। बीच इतना गंदा कर रखा है, हिंदुस्तान में कोई चीज साफ नहीं रह सकती। कचरा फैला रखा है पूरा का पूरा बीच में।